शिमारु कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लक्ष्मी देवी कृपा करा रे बाबा, टेलीफोन आए नमः, रॉन्ग नंबर आए नमः, दैवी प्रसाद आए नमः, पैसा आए नमः, रुपया आए नमः। ये क्या बाबू भैया, आलू की बोरी की तरह नीचे क्यों बैठे हो? काय चला रे? अरे अब तो हम अमीर हो गए हैं। अमीर हो गया तो क्या मैं हवा में बैठूं? अरे खुल के बैठो। या जूता निकल बाबा, या जूता पहन के घर में नहीं घूमने का रहे, जूता निकल। आप बिना बाबू भैया गरीब के गरीब ही रहोगे, चीप थिंकिंग रहेगी। अरे अमीर आदमी जूते पहन के सोफे पे सोता है। और बाबू भैया स्टाइल से जियो, खाना भी कांटा चम्मच से खाओ यार। कैसा खाएगा रे? वड़ा पाव कांटा चम्मच से कैसा खाएगा रे? ये क्या है, 15 मिनट पहले मैं यहाँ से निकला, वही के वही कपड़े पहने हुए हैं। अरे अमीर बनो अमीर। अमीर आदमी 15 मिनट में अपने कपड़े बदलता है, आधे घंटे में अपना घर बदलता है, 1 घंटे में अपना धंधा बदलता है, और 2 घंटे में अपनी बीवी बदलता है। अरे पांडुरंगा, अरे मेरा बीवी किधर है बाबा? हाँ बाजू वाले का लगा बदलू क्या? हाँ ठीक है वो सब तो छोड़ो, ये फोन तो बदलो आप। इतने पैसे खर्चे करके आपने नंबर तो वही रखा, ये मॉडल तो बदलो। फोन को हाथ लाऊ लगो, रख रख। अरे तेरे को बदला क्या मैंने? नहीं ना, मेरा फोन बदलने का बात नहीं करने का। ये बाबा तुमको मांगते, तू नाम बदल, कपड़ा बदल, मांगता है बाप भी बदल, ये फोन बदलने का बात नहीं करने का। ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, ये तेरा जूता साला और इनका चड्डी बनियान भी फोन की वजह से है। ये फोन नहीं है, किस्मत का घंटी है देवा, किस्मत का घंटी। हेलो, किसका फोन है? कबीरा। कबीरा स्पीकिंग। उसको बोल बाबूराव मर गया, बाबूराव सुबह में ही मर गया। यार राजू उसको बोल बाबूराव मर गया। मेरा मामा नहीं है वो। उसको बोल कबीरा भाव जय महाराष्ट्र। स्टार फिशर क्या माइलम मजाक करता है? आधी मछली पानी में डूब के मर गई और आधी प्यास से मर गई, और बाबूराव की धोती भी खुल गई। साला धोती खुलता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र कन्हैया चरमणवती वेदिका। या मायला खूब ठंडा है रे। क्षिप्रा वेत्रवती महासुरन देखाया था गया गंडकी पूर्ण पूर्ण राम, राम। ये बाबू भैया का क्या करेंगे यार, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। अरे इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, फिर भी बाल्टी में रस्सी बांध के नहाने बैठ जाएंगे, आस पड़ोस में क्या इज्जत रहेगी? कुआं खोद रखा मैंने यहाँ। भोले है ना, मैं समझाता हूँ। बाबू भैया ये क्या कर रहे हैं आप? जो तूने पिछले 5 साल से नहीं किया है, नहा रहा हूँ। इस तरह नहाता कोई? तो कैसे नहाने का रे? अरे बाबू भैया ऐसे रस्सी डाल के खींचने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट बाल्टी अंदर डालो, पानी निकालो और नहा लो यार। कॉमन सेंस नहीं है यार राजू, इनको एक शाणा और दूसरा अंधे में काणा। अरे ये स्विमिंग पूल है, इसमें बाल्टी डालने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट जाओ ना। अरे ऐसा कैसा डायरेक्ट उड़ी गणपति बापा, ये मंगल मूर्ति विनायका। ला बाबा ला। क्या लाऊं? तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू है? अरे इन्वेस्ट तो करने दो, तुम लोग लाओ। क्या? अरे 10-10 लाख रुपए दे दो और इस फॉर्म पे साइन करो। मैं नहीं देगा रे। अरे 1 करोड़ रुपए दोगे तो वो इन्वेस्ट करूंगा तो 21 दिन बाद 2 करोड़ मिलेंगे ना। ये ले, तू तो पढ़ा लिखा, पढ़ना। ये पढ़ तो बाबा, क्या लिखा है पढ़ तो। हाँ लिखा था कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया डालो तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा लिखा है? ला बाबा ला। अरे मेरे को राजू पे भरोसा है रे। ये ले मेरा 10 लाख तेरे को दे देता हूँ। चले चले यार, साइन कर अनाड़ी, साइन कर। बाबू ये लेकिन चल साइन कर रे, साइन कर चल। आप लोगों ने कुछ सुना? अरे इसको ना हमेशा कुछ ना कुछ सुनाई देता है यार। कोई गाना नहीं चला, रेडियो टीवी कुछ रे, दुष्ट कर ना बाबा, साइन कर रे, चल कर कर कर। अरे मेरे को सुनाई दे रहा है यार। आप लोग करना यार, तू करना। अरे बाबा तू साइन कर रे, साइन कर। वो तो ठीक है लेकिन सुन, अपने पास 30 लाख रुपए, तू 70 लाख रुपए बाकी के लाएगा कहां से? तुम दोनों को मेरे पे विश्वास है ना? ओ मेरे को भगवान पे विश्वास है। ओ
70 लाख रुपए मैं कैसे ना कैसे लेके आऊँ, ठीक है? ओके, खूब चांगला मारो साहिर। बाबू भैया आप, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये राजू अपने को मरवा देगा, साइन करवा। क्या बाबा, तू पनौती मत मार रे। ए मंगल मूर्ति, ये देवा मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना रे। राजू, आप लोग सामान उतारिए। जी सर। कौन है भाई? तो जल्दी जल्दी सामान निकाल, चल। जी सर। आप लोगों में से उदय कौन है? हेलो मिस्टर उदय, पुरुषोत्तम, पप्पू। इस इलाके का म्यूनिसिपल ऑफिसर नया। आपको मालूम तो होगा कि ये घर इलीगल है। मालूम है किसका है? आरडीएक्स का है, और वो कौन है ये भी जानता हूं। कानून नाम की कोई चीज होती है या नहीं? नहीं, डरिए मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ, लेकिन आदमी बहुत ही अच्छा हूँ। कानून के दायरे में रहकर ही काम करता हूँ। कोई कीमती सामान पड़ा हो तो निकाल लीजिए, मैं घर तोड़ने जा रहा हूँ। अरे जाओ भाई, तोड़ने को मदद कर रहे हैं। जी जी भाई। Come on guys। सर, मैं भी मदद करूँ। हाँ चलिए। हाँ लिया लिया। चलो चलो चलो। क्या बात है उदय भाई? फिल्म के हीरो ने कॉम्प्लेक्स दे दिया क्या? बल्लू। जी भाई। बता जरा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा। अरे वो नहीं, मुहूर्त पर क्या हुआ बता। मुहूर्त? अरे वो तो कमाल हो गया। सुनील शेट्टी को निकाल के भाई को हीरो ले लिया डायरेक्टर। बोला सड़क पे से किसी को भी उठाकर स्टार। नहीं 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 नहीं, बोला सड़क पे से किसी को नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि एक बहुत बड़े एक्टर को ले रहा हूँ। बहुत ग्रेट डायरेक्टर है वो। और मजनू भाई देखो, भाई का पेपर में फोटो भी आया है। लो लो भाई, ये देख। लेकिन साथ में ये क्या खबर छपी है? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? क्या जल रहा है रे? जल रहा है? क्या जल रहा है? तेरा जल रहा है कुछ? नहीं, मुझे तो बदबू आ रही है। ए मजनू, उड़ जरा, जरा पलट। ए देख, पीछे से धुआं निकल रहा है। ले भाई से पंगा। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है। मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। आलू ले लो, कांदे ले लो, आलू ले लो। अरे कमाल, कमाल का ठोक दिया है, कमाल। एक बात नोट कर लो मेरी, इस दुनिया को बहुत बड़ा एक्टर दे रहा हूँ मैं आज। कीप इट अप, शाबाश। अगले शॉट की तैयारी करते हैं, यूनिट आगे ले चलो। हाँ ठीक है, चल। वाह भाई साहब, कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। संजना तुम कुछ नहीं कहोगे? भैया मुझे तो लग रहा था आपके साथ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कितनी आसानी से सब कुछ हो गया ना। देख देख देख, बड़ा कमाल का डायलॉग लिखा। हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना कोई आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? फिल्म लाइन में? नहीं नहीं, मैं टिश्यू टिश्यू की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं, वाह। सुबह से ना कोई आलू बिका है, ना कोई कांदा। आधा? हाँ आधा आधा, आधा कांदा। भाई साहब ये शॉट बुला रहे हैं। मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। कौन मैडम? आपकी फिल्म की हीरोइन सर। आइए। देखी तेरी अदा हो गया मैं फिदा, तेरा ये लड्डू बना शेटे शेटे। आइए ना सर। आप हैं मिस ईशा। हेलो। सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। कोई सोच भी नहीं सकता कि आपकी पहली फिल्म है और शूटिंग का पहला दिन। आई एम ग्लैड टू मीट यू देयर। सेम 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 हियर। हेलो। I hope you don't mind me calling you there. No, not at all. Madam, आपका shot ready है। अरे अरे, yes. देखो दे, बुरा नहीं माना please. No. मैं यहाँ ये फिल्म छोड़ने आई थी। क्यों?
क्योंकि जब मुझे पता चला कि डायरेक्टर ने हीरो को निकाल दिया है, I wasn't very comfortable, you know. I know. लेकिन जब मैंने आपकी एक्टिंग देखी, oh my God, I mean, the way you said that dialogue, आलू ले लो, कांदा ले लो, मैं तो आपकी फैन हो गई. नहीं बस छोटे मोटे एक्टर को देख के जरा करने की कोशिश. I want your autograph. Oh yes. थैंक्स. वेलकम. अब साथ काम करने में मजा आएगा. बहुत वेलकम. बाय बाय बाय. भाई हाँ, लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई. भाई निकलो. दामाद जी, कितनी लंबी सीढ़ी है ये. दामाद जी, चलो 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 जल्दी पुलिस स्टेशन चलो. पुलिस स्टेशन क्यों? अरे भाई ये है ना, मैंने पुलिस के नाम ये लेटर लिखा है. हाँ, जरा देख रहे ना अंग्रेजी बराबर है कि नहीं है. क्या है ये? मैंने लेटर में लिखा है कि हमारे बाजू में ना इंडिया का बहुत बड़ा गुंडा रहता है, और मेरा साइन देखा, मैंने साइन अजीत के नाम का किया है. कौन अजीत? ले, तेरी सासू, मेरी वाइफ. लेकिन डैडी जी, ये जब गुंडे को पता चलेगा ना कि इन दोनों ने ये चिट्ठी लिखा, तो गुंडा इन दोनों को खत्म कर देगा, और बाद में पुलिस गुंडे को खत्म कर देगी. देखा, एक चिट्ठी है, दोनों की छुट्टी. चल जल्दी किक मार. चल, ये गाड़ी है. हाँ तो हाथ से किक मारना भी लेट होता है. किक क्या, धक्का मारना पड़ेगा. बैटरी डाउन है. बैटरी डाउन है इसका. बोल, कहो तो मैं छोड़ दूं. He's dangerous. हम लोग चले जाएंगे अपने आप. हो भाई, अपने आप जाएंगे. हो भाई, आइए लिफ्ट दे देता हूँ. लिफ्ट का क्या काम, हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं. लिफ्ट लेके ऊपर थोड़ी जाना है. हम चले जाएंगे. हो भाई, चले जाएंगे. मेरा मतलब है गाड़ी में मेरी. नहीं नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे. 15 तो माइल जाना है. 7:30 ये चलेगा. 7:30 मैं चलूंगा. वैसे जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन नहीं जाना. पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाना. ये देखो ना, मेरे को लेटर भी पोस्ट करने का. ये रख अभी संभाल के. नहीं नहीं, आप रखिए. आप बड़े. अरे भाई, तू छोटा है ना, तू रख संभाल के. गंडा डैडी का बड़े ना. लाइए, मैं पोस्ट कर देता. नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे, हम लोग पोस्ट कर देंगे. क्या बात है, बड़ी जवानी फूट रही है तुम में. कुछ खास लिखा है अंदर? खास क्या, इसमें आपके बारे में नहीं लिखा. खास नहीं आपके बारे में. मेरे बारे में लिखना भी मत, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे बारे में लिखे, पढ़े या समझे. समझे? सही बात है ना. देखो, हम तो आपको पहचानते भी नहीं. हमको तो मालूम भी नहीं है कि आप इंडिया से आए. क्या जी? और इसको तो ये भी मालूम नहीं है कि आपके सर पे इनाम है, और वो भी 2 करोड़ का. आइडिया है तेरे को? नहीं है? बोलो. चलो. क्या है, मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे, मेरे को अच्छा नहीं लगता. मेरा खून खौल उठता है. जब मैं पैदा हुआ तो सीधे डॉक्टर को काट लिया. क्यों क्यों काट लिया? क्यों? चिल्लाने लगा, बधाई हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ, बधाई हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ. ये कोई बोलने की बात है? काट लिया, मर गया साला. अभी मैं काटता नहीं हूँ. अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि गुस्से में काबू कर लिया. लेकिन आदमी जैसे बड़ा होता है ना, वैसे सुधर ही जाता है. अच्छा, अब मेरा बोलता पोपट काटता है. बोलता पोपट? ये तुम्हारे पास पोपट है? ले, हमने तो कभी देखा ही नहीं है. वाह, दिखाता हूँ. पोपट जेब में रखता है. ऐसा जेब में रखता है तो वो चांच नहीं मारता है. कर दे यार, तू अंदर हो तो. ये पोपट नहीं है, है ना? आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है. ये चाकू है. चाकू? चाकू. हाँ, इसे क्या, वो घर में सब्जी काटते ना, ये वो पोपट नहीं है. ये बोलता पोपट ही है. इसकी चोंच अगर किसी आदमी को छू लेना तो वो फटाफट पोपट की तरह बोलना शुरू कर देता है. तुम दोनों मुझे बहुत भोले और मासूम लगते हो, इसलिए मैं तुम दोनों को 3 लाइफलाइन दे देता हूँ. और टाइम प्लेट भाई, चौखवट कर लिए. 3 माने इसका 3 और मेरा 3, माने टोटल 6 ना.
तो समझो नहीं, टोटल तीन, डेढ़ तेरा डेढ़ मेरा, क्या हंस नहीं ठोक से I love your smile, I love your smile. मेरी भी अच्छी है. चलो आओ, आओ कॉफी पी. नहीं नहीं नहीं, मेरा ऊपर जाओ भाई, मेरा भी ऊपर ऊपर आओ ना, कॉफी पीते हैं. You liars, you cheats, इस घर में तभी घुसना जब जेब में किराया हो. अरे बेशर्मो, जाके काम धंधा ढूंढो. काम धंधा ढूंढना ही पड़ेगा. अरे मिल गई. क्या मिल गई? वह नौकरी मिल गई. ये मरा हुआ आदमी हमें नौकरी देगा? माल तो दे सकता है. वो कैसे? मानव वो घास खाते हुए घोड़ी की पेंटिंग है ना, हाँ वो चुपचाप से लेके आ जा, चुपचाप से चल जा. और तुम लोग मेरी बात सुनो, माइंड ब्लोइंग आइडिया है मेरे पास. सॉरी आंटी. रिश्तेदार आपके दोस्त थे, आपके पड़ोसी थे, तो रो क्यों रहे भाई इतना? जी कहिए, मैं ही द्विवेदी जी का बेटा हूँ. जी वो आपके पिताजी की अमानत आपको सौंपनी है. अमानत? वो क्या है कि कुछ दिन पहले आपके पिताजी हमारी आर्ट गैलरी में आए थे और ये 20,000 की पेंटिंग उन्हें बहुत पसंद आई थी. 1,000 रुपए एडवांस दे चुके हैं, बाकी के पैसे डिलीवरी होने पर लेने को कहा था. तो पेंटिंग? अजीब बात है, पिताजी का तो पेंटिंग का बिल्कुल शौक नहीं था. मरने का शौक था? नहीं. फिर भी मर गए ना. लेकिन देखो, कभी कभी आदमी है ना, शौक से ऐसे काम कर जाता है जिसका उसे कोई शौक ही नहीं होता. हाउ शॉकिंग इज दैट? शॉकिंग. छोड़िए ना भाई साहब, फटाफट पैसे दे दीजिए. बिल्कुल, अंकल की भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी. करेक्ट. पता नहीं कहां भटक रही है. पापा की पेंटिंग, हमारे पैसे. ये 20. थैंक यू. ये लो 19. ये हाथ में पकड़िए. वो 1,000 गुड लक का दे दीजिए. थैंक यू वेरी मच. ओके, नमस्ते. इतनी मेहनत से पेंटिंग लाया, खोल के देखो तो सही. ए रुको, देखो यार, अभी डिस्काउंट मत मांगना यार. ये क्या है? पेंटिंग है. और क्या? ओ, किस चीज की पेंटिंग है ये? घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग है. अच्छा, तो इसमें घास कहाँ है? घास तो घोड़ा घोड़ा खा गया ना. तो घोड़ा कहाँ है? अब घास खाने के बाद घोड़ा क्यों रुकेगा? वो तो चला गया. क्यों भाइयों? सही बात है, सही बात है, चला गया वो. चला गया, हम चलते हैं. चलते हैं. नमस्ते. नमस्ते जी. थैंक यू. आप टेंशन बिल्कुल मत लो, घास एक बार फिर उगेगी ना तो घोड़ा अपने आप वापस आ जाएगा. मुन्ना प्लीज मान जाना, अपुन सब कराता है ना, वो कॉलोनी पेंट करेंगे अपुन. परे हट. और नीचे नीचे. रुक 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 रुक. मैं तेरे लिए लड़ूंगा, लेकिन एक काम करना होगा. अरे एक क्या मुन्ना, तू अपुन के लिए लड़ेगा, अपुन दो काम करेगा. बोलना करना क्या, बोल. टाइगर को पकड़ के पिंजरे में डालना है. पकड़ेगा ना टाइगर? पकड़ेगा ना? किधर है? पीछे. ओए ऊपर ऊपर, नीचे नहीं ऊपर. ये
ये टाइगर है। अपुन अभी जाके पकड़ता है। ओके बाप। गुड बॉय, आजा आजा मेरे लाल, आजा मेरे तंदूरी चिकन। मुन्ना पकड़ लिया अपन टाइगर को, पिंजरे में बंद है। दूसरा काम? अरे दूसरा काम कौन सा? अरे तूने ही कहा था दो काम करेगा। अरे मैंने कब? अब किसको पकड़ना है? मिंटो टाइगर्स का चचेरा भाई। अच्छा अच्छा मुर्गे का भाई। अरे यार उसे भी पकड़ता हूँ अभी। आया ए लकी मैन, इस बार मैं पकड़ता हूँ, तू थक गया होगा, रेस्ट मैन, रेस्ट। ये मैन, चलो बॉब पकड़ेगा मिंटू को। कहाँ है ये मिंटू? अरे पीछू पीछू, नीचू नीचू। अबे ये तो कुत्ता है यार। ये मतलब ये मुर्गे का चचेरा भाई कैसे हो सकता है? भागते भागते पूछते रहना, वो पकड़ते पकड़ते बताता रहे। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? बोला ना कभी नहीं देखा है। तो फिर तुमने मुझसे पैसे कैसे लिए? कौन से पैसे? यस साला, ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। साला मुझसे पैसा लेकर कह रहा है मुझे कभी नहीं देखा है? ये पुलिस नहीं है, चोर पुलिस है। हाँ। साले को मार मार के इससे उगलवाओ कि खुफिया लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं। बताओ हमारे धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? कि तुमको नहीं मालूम तुम्हारे धंधे में क्या होता है? बकवास बंद कर और सच सच बता, गांधी के बारे में तू क्या जानता है? अरे राष्ट्रपिता है हमारे। हे मजाक बंद कर और सच सच बता, तू गांधी के बारे में क्या जानता है? अरे मैं क्या, सारे हिंदुस्तानी जान तुमके बारे में, मैं क्या बताऊंगा? क्या और क्या जानता है? वो जब चलते थे पूरी दुनिया उनके साथ चलती थी, वो जो साथ में चलते थे उनको दौड़ना पड़ता। बस बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? धंधा? चरखा चलाते थे। चरखा? हाँ। कैसा चरखा? सूत काटने का, खादी का कपड़ा बनाने का, आजादी की लड़ाई लड़ने का, ये सब धंधे थे गांधी जी के। है? अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? यार कैसे हिंदुस्तानी हो, लंदन आकर महात्मा गांधी को भूल गए क्या? अबे महात्मा गांधी नहीं, एम जी गांधी, मनु भाई गांधी के बारे में क्या जानता है? तो तू कौन है? अरे यार वो मेरा चंपू कहाँ है यार? अरे उसके पास बहुत पैसे हैं, कहीं ऐश कर रहा होगा। अच्छा, हम लोग भूखे नंगे नजर टिकाए बैठे हैं, वो किसी 7-स्टार होटल में 7-कोर्स मील खा रहा होगा। बॉस मैंने पकड़ से उसके 2 दांत उखाड़ दिए, उसके 2 नाखून उखाड़ दिए और मैंने वो भी उखाड़ दिया। क्या? हाँ, फिर भी कुछ नहीं बोलता है, वेरी टफ गाय। अब तू बोलेगा। मेरी सांस जा रही है। अब तेरी बहू भी जाएगी। सर, there is a call for you. मनुभाई गांधी है? नहीं, शेरखान मेरी बात तो, एक 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 मौका और दो।
क्योंकि अब की बार खुद पुलिस वाला तुम्हें पुड़िया पहुंचाए। क्या नाम बताया? सुनील नाहटा। क्या लगता है वो तेरे दोस्त का? जीजा। बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ा आदमी मामू। लेकिन मैंने साफ बोला कि धंधे यारी में कोई दोस्ती नहीं, कि साथ दे साथ ले। क्या ताली? नहीं मामू, गहने, सोने हीरे के गहने, गहने अपने पास और पैसे उनके पास, पैसे नहीं लौटा पाए तो तेरे बड़े दोस्त की बड़ी कब्र बना दूंगा, याद रखना समझे। रिश्वत का पैसा मजाक नहीं होता, ईमानदारी के पैसे में सिर्फ मेहनत लगती है, रिश्वत के पैसे में मेहनत और जोखिम दोनों लगते हैं, समझे? मामू कुछ गड़बड़ हुई तो गहने बेच के पैसे वसूल, बोलो कबूल। पहले घर देखूंगा फिर तय करूंगा, अगर कुछ झोल निकला तो तेरी पाइपलाइन गोलियों से भर दूंगा। पैसे किस भरोसे दे रहे हैं वो? गिरवी क्या रखा है? मारू। मारू के मामा है, बहुत अच्छे इंसान है। हमने बिजनेस करने की क्या सोची, उन्होंने तो कर्जा देने की ठान ली। हमने बहुत मना किया तो बोले चलो ब्याज पे ले लो। हाँ लेकिन हर हफ्ते ब्याज देना पड़ेगा। उसकी फिक्र क्या दीदी, धंधे का पैसा बरसने लगेगा तब तक। दो चार छींटे अपने जीजू पर भी उड़ा देना, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हट जरा। दीदी वो हमारी इतनी मदद कर रहे, जरा अपने हाथों से मिठाई दे देना प्लीज। 2 किलो की है, सोने का वर्क है। अच्छा हाँ। पहले तो मिठाइयाँ चांदी के वर्क में हुआ करती थी। अपने हाथों से ये मिठाई उन्हें देना और उनसे पैसे लेके हमें देना आशीर्वाद के साथ, उसी के लिए तो हम यहाँ आए। डोर आ गया, चलो चलो। आ गया हरामी। नमस्ते। आइए। घर तो अच्छा है, सामान इनका है या भाड़े पे लाए? उनका अपना है मामा जी। आप बैठी ना, बैठी ना, मैं दीदी को बुला के लाता हूँ। दीदी दीदी। ये दोनों कौन है? दोनों इंसान है। मुझे तो शैतान लग रहे हैं। दोस्त, ये और वो, तीनों दोस्त। रोकड़े लाया हुए हैं, ब्याज देना पड़ेगा हर हफ्ते पूरे 10%। जिस दिन ब्याज चुके उस दिन सोना गायब। दीदी ये मामा जी, मामा जी ये दीदी जी। नमस्ते जी। आप बच्चों की इतनी मदद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। खुशी तो मुझे भी है, ब्याज जो लेने वाला हूँ। आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है, बच्चे आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। दीदी दीजिए ना, बॉक्स दीजिए। लीजिए ना। कहने, कहने। हाँ अच्छा अच्छा, कितना है? दो दो? दो किलो, दो किलो। सोने का है ना? हाँ हाँ, वर्क वर्क, सोने का वर्क। हाँ सोने का ही है, आजकल चांदी का जमाना तो गया। थैंक यू। ये आप अपने पास रखिए ना, आप कॉफी ले आइए ना मामा जी के लिए प्लीज। पंकज आप ले आइए ना, आप रखिए कॉफी। ये रहा एग्रीमेंट और ये दुकान की चाबी। अब 1 साल के लिए दुकान आपका, चाहे धंधा करो या भजन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो 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 नो, मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं आप? आपके पहले टकलू मैनेजर था, उसने कहा शोरूम के कागजात दिखाओ और लोन लेकर जाओ। हाँ वो टकलू था, मैं नहीं हूँ। मामा का लोन कैसे चुकाएंगे? ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने भारी ब्याज पे शोरूम के लिए रकम उठाई है। देखिए अगर आपने लोन नहीं दी तो हमारी जिंदगी बेरंग हो जाएगी, प्लीज देखिए। मैं लोन नहीं दे सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों? ये बैंक तेरे चाचा की है। गेट आउट, गेट आउट यू फूल्स। क्या हुआ? क्या हुआ? अबे रुदाली की डिंपल बन के क्यों आया? किसने मारा? अरे तू बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बोल किसे मारा साले की खाल उधेड़ देंगे। बोल। अबे नाम तो बता। मामा। मामा ने मामा तुम सबकी तंगड़ी कबाब बनाने वाला है, जब तक तुम उसका पैसा वापस नहीं कर देते तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। अबे नहीं करते मतलब क्या? अबे जैसे हम पैसों के अंडे पे बैठ के उसे उबारे, बात करता है कमीना। मेरे नीचे क्या आग लगी हुई है पता है? वो राक्षस दवा खाने ले गया था मुझे। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी बात है ना। अबे काटना मत।
मेरी किडनी बेचने निकला था वो। निकाल ली वो तो पीठ दिखा के मैं भाग गया। अब देखना साला तुम्हारे आंख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर के भावना बेचे तो तुम लोग देखना, तुम लोग देखना। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अबे तू बोला ना कुछ, बोलो तो बोल दिया, और भी कुछ बोलू? कोई मिल गया तो हाउसफुल है। तो चलो फिर अपने हाउस ही जाते हैं। नहीं वहां गए तो वहां भी कोई मिल जाएगा। क्या? नहीं नहीं मेरा मतलब मिल जाएगी, मिल जाएगी, किसी ना किसी और फिल्म की टिकट जरूर मिल जाएगी। बाजू में बहुत ही एजुकेशनल फिल्म लगी है, नाइट क्वीन। नाइट क्वीन? नाइट क्वीन साउंड्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मम्मी जी मैं आपको बताता हूँ कितनी इंटरेस्टिंग। बॉस लगता है घर में कोई नहीं है। मतलब खाली है ना? अरे अच्छी बात है, खाली घर को और खाली कर देंगे। चल खोल जल्दी। अरे बॉस घर का दरवाजा भी खुला है। लगता है आज के बाद अपनी तकदीर का दरवाजा भी खुल गया। चल घुस ले अंदर, खुल खुल। उस गधे अमर को कहा था कि कम से कम दरवाजा खुला रखे, अब करेंगे क्या, घुसेंगे कहां से? आइडिया नहीं 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 तेरा आइडिया बहुत डेंजरस रहता, मैं घर जा रहा हूं। ट्रस्ट मी, छत से जाते हैं। हां छत से जाते हैं, लेट्स गो, लेट्स गो। खिलाकर सॉफ्ट पॉर्न दिखाता है, इडियट। बिंदु अपनी आंखें बंद करो और चलो मेरे पीछे, इडियट। मम्मी जी, बिंदु जी, एक काम कर, तू जा। मैं क्यों जाऊं, मैं तेरे तीन महीने छोटा हूं, तू जा, इडियट। जरा कोशिश कर, कोशिश कर। हाँ कर रहा हूं, कर रहा हूं। फटाफट दूसरी चाबी दे, तीसरी दे। अबे ठीक से सपोर्ट देना, क्या रहे? अबे नहीं है मेरे पास, कहाँ से दूँ? ओए ओए अबे अबे पैर छोड़, पैर छोड़ दो, क्या पकड़ो, क्या करे, गिरूंगा, पैर छोड़ क्या? God, I can't believe it. Educational film दिखाने ले जाऊँगा। करा दी मेरी education. I have never been in such an awkward position in my life. चक्कर आ रहे हैं मुझे. I need some fresh air. मैं छत पर जा रही हूँ. बिंदु तुम जाके बेडरूम के अंदर सो जाओ, मैं करेला का जूस पी कर आता हूं। खुद बना लोगे? हाँ हाँ जरूर बना लूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। एक से फोटो में कितना टाइम लगता है? यार मम्मी को फिल्म दिखाने ले गया, तुम्हारे लिए घर का दरवाजा खुला रखा और तुम दोनों अब तक चोरी करके घर से निकले नहीं। ओह नो, तुम दोनों को मैंने कॉम्बिनेशन दिया था ना, दिया था ना। शिट, लगता है सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तेरे साथ कभी चोरी नहीं करूंगा। ये नहीं, ये वाला पेन देना यार। पीछे से वार करता है। एप क्या टाइम पास करा, छुड़ाना अपने आप को काकी से। अबे बकवास बंद करो और मुझे छुड़ाना यार। ए बुढ़िया जरा छोड़ दे इसको, वरना देख मैं तीन तक गिरूंगा। देख एक दो। You got guts. लाइट किसने ऑफ कर दी? काली बुड़ी, काली बुड़ी।
बदल दिया क्या? किधर हो? किधर हो? ओ! चड्डी पहन कर आता हूँ ऊपर। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तुम्हारे गैंग का नाम क्या है? चड्डी गैंग? पकड़ लिया। ये देखता क्या मारना खाली कहूँगी को? मारा ये! बेबी को चोट लगी। Idiots! अपने बैग निकाल रहे हैं। अबे भाड़ में गए तेरा गोल्डन ग्लव यार। अपने आप को असली गैंग का मेंबर समझते हैं। ऊपर से अगर अंडरटेकर की माँ आई तो हम सबकी हड्डी पसली एक कर देगी। एक बात बताओ दोस्तों, We have done it. Yes, we have done it. अच्छा भागो। बिंदु। भाड़ में जाए, चल निकल यहाँ से। Nobody takes Panga with me. समीर जी। सॉरी। ये बाइक कब मिली? कंपनी वालों ने आज सुबह दी। आज नहीं, कल मिली। नहीं, आज मिली। तुम बाइक की बात कर रहे हो, हम नजर की बात कर रहे हैं। रानी से तुम्हारी नजर कल मिली ना? रानी कौन रानी? मैं तो खेलते हुए बच्चों को देख रहा हूँ। अच्छा, अरे मैं नाम का नहीं, मैं काम का ज्योतिषी हूँ। अच्छा। मैंने तुम्हारी कुंडली देख ली है। अच्छा, मैं तुम्हें रानी से मिलवा देता हूँ, वरना तुम ऐसे ही खिड़की से गिरते रहोगे ना। अरे हम तो प्रेम के पुजारी हैं, हमारी वजह से दो दिल मिलते हैं, एक घर बसता है, बच्चे किलकारी मारते हैं, इससे ज्यादा खुशी हमारे लिए और क्या होगी। सुना इनका बाप कर्नल बड़ा सख्त आदमी है। अरे अभी रिटायर्ड है, कभी भी बुलावा आ सकता है। और उन्हें तुमसे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं। देखना, पहली मुलाकात में गले लगा लेंगे तुम्हें। अच्छा मैं चलती हूँ, थैंक यू फॉर द कॉफी, बाय यू गाइस। रानी जी आपसे कुछ नाराज है? नहीं तो फिर उस दिशा में क्यों जा रही है? रानी जी, पंडित जी यहाँ आओ। इस तरफ आ रही है जी। देखना एक बार हाथ मिले, दिल मिलने में देर नहीं लगेगी। आओ आओ, तैयार हो जाओ। आजकल कर्नल साहब 4-5 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। जी वो गाड़ी खराब हो गई ना, तो उसी के चक्कर में गए हैं। हमने उनसे कितनी बार कहा है कि आपके कार्बोरेटर की महादशा चल रही, कम से कम 125 रुपए का पेट्रोल डलाया करो, 25 रुपए से ऊपर के डलवाते नहीं है। खैर छोड़ो, ये है मेरे बचपन के दोस्त समीर। हालांकि बचपन मिले नहीं है, जवानी में आके मिले हैं। और ये रानी, समीर लाइफगार्ड, रानी फैशन डिजाइनर। हाथ बात तो मिला लो। मम्मी! बच्चे को संभाल नहीं सकते? क्या हुआ? टायर फटा? नहीं, कोई पिटा। कौन पिटा? डैडी। क्या मुलाकात हुई है कर्नल से इनकी? किसने इन्हें चाटा मार दिया? ऐसा लगा कि बम फट गया। पापा आप ठीक तो है ना? पूछो मत बेटा, ऐसा लग रहा है कि किसी ने गरम गरम लोहा पिघलाकर कान में डाल दिया हो। तुम्हें इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था, ये तो है ही शैतान। वो तो कर्नल साहब ने ब्रेक मार के बचा लिया इसे। ए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे पापा के ऊपर हाथ कैसे उठाया? मुझे नहीं मालूम था कि ये आपके पापा है। और लेकिन ये बच्चा, बच्चा बच्चे की माँ यहाँ पे, पूरी दुनिया यहाँ पे है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तुम हीरो बनने की कोशिश क्या कर रहे थे? नहीं। I mean, what were you trying to do? Please, आप दोनों झगड़ा बंद करो और जल्दी से इन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलो। अरे कंडक्टर नहीं, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। वहीं जा रहे हैं। अरे ये तो बहरे हो गए, ये क्या किया? जिनसे रानी का हाथ मांगना था उनके कान पे हाथ दे दिया।
चलो चलो, मुसीबतों के खिलाड़ी मोहब्बत के दुश्मन। चुप, सब तेरी वजह से हुआ है। अच्छा, मेरी वजह से? तूने तो कहा था कि शैंपेन को एक झटके में खोलना। अरे तो मैंने शैंपेन खोलने को कहा था, मैंने अस्थियां तोड़ने को नहीं कहा था। चलो ठीक है, अस्थियां टूटी, एटलीस्ट उसकी माँ को तो मुक्ति मिली। मुझे तो ये कर्नल पागल लगता है। नहीं, नहीं, नहीं। कर्नल साहब बहुत सुलझे हुए आदमी है। अरे खाक सुलझा हुआ आदमी है। अरे माँ की अस्थियों को गंगा में बहाते हैं, थोड़ी कोई घर में रखता है, और वो भी कटोरी में। नहीं नहीं ठीक है, हम बाद में वार्तालाप करते हैं ना। अरे इस बात को अभी क्लियर कर देते ना। अरे हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि से देखने की कोशिश करो। अरे जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उसी दृष्टि से आप देखने की कोशिश करो। आपने कभी कर्नल को देखा है? अरे उसको देख कर ऐसा लगता है कि उसका बुढ़ापा 20 साल पहले आ चुका है। उसकी बीवी को देखा है, ऐसा लगता है कि अभी भी जवानी आई है। अरे कौन से एंगल से रानी उस कर्नल की बेटी दिखती है? हाँ, टॉमी उसका बेटा जरूर दिखता है। देखो, हम जो समझा रहे हैं तुम समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा करो, तुम उनसे खुद पूछ लो। उनसे? किन से? रानी से। अरे रानी को कर्नल ने थोड़ी बताया होगा। उस दिन तो मैंने ये सोचकर तुम्हें माफ कर दिया कि तुमने गलती अनजाने में की, मगर आज तुम जानबूझकर तुमने उस दिन मेरे पापा को यहाँ मारा, उनकी गाल पे। फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आज तुमने मुझे यहाँ चोट पहुंचाई, उसका क्या? हाँ रानी, तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे थे कि मेरे पापा नहीं है? नहीं। कि मेरी मम्मी का कैरेक्टर खराब है? नहीं। Don't you talk to me again? Don't you ever talk to me? बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझने लगी थी। और आप पंडित जी, आपके ऊपर तो हैरानी हो रही है मुझे कि आप ऐसे गिरे हुए इंसान को अपने बचपन का दोस्त समझ सकते हैं, जिसे किसी की इज्जत क्या है उसका मतलब भी नहीं मालूम। रानी देखा, तेरी वजह से रानी को दुख पहुंचा है। मेरी वजह से? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जब तुझे पता था कि रानी मेरे पीछे खड़ी है, बता देता मुझे। अरे कब से कह रहा हूँ, मेरी दृष्टि से देखने की कोशिश करो। अरे दृष्टि समझ में नहीं आती, शायद हिंदी नहीं समझ में आती हमें। गलतियाँ आप करो, परिणाम मैं भुगतूं। हाय हाय, बॉल चाहिए। क्या हुआ? अरे टायर फटा। अरे नहीं, कोई पिटा। कौन पिटा? पापा। मामी मा। वाह, क्या बंगला है भाई, बहुत अच्छी। क्या बात? वो है बंगला। अच्छा, ये एक बालकनी, दो खिड़की, एक मेन गेट। झाड़ कौन सा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लिख लेता हूँ। तू दलाल है? हाँ, हम लोग जासूसी करने आए हैं ना, यहाँ एस्टेट एजेंसी खोलने नहीं आए। ये छोड़, ये पकड़। भाई ये बहुत अच्छा किया आपने, डंडा लिया। यहाँ के लोग कुत्ता बहुत पालते हैं, पता नहीं क्यों। ये माइक है। मैं कुछ बोलूं? अबे बोलना नहीं है इसके अंदर, इससे सुनना है। अच्छा अच्छा, तू वहां जा, मैं सुनता हूँ। आप इससे सुनेंगे? अबे यार, इससे सुनूंगा नहीं, इससे देखूंगा, सुनूंगा इससे। तू जाना यार, तू जा यार, प्लीज। उल्टा उल्टा, तू उल्टा नहीं, माइक उल्टा, माइक उल्टा, या माइक उल्टा कर। कैसी है नताशा, सेक्सी है ना? ये नताशा है या 70mm का तमाशा? ये देख, बड़ी जूनी पुरानी आइटम है। ये करण लगता है कोई भंगार वाला है। नताशा, ये बार बार खुद को क्यों बुला रही है? पता नहीं। नताशा, क्या हुआ स्वीटी जी? क्यों चिल्ला रही हो? नताशा आदमी है क्या? पता नहीं इसने अपने नाम के बाद क्या क्या बदली किया। मेरे को तो ये आदमी करण ना फुल ऑफ डाउट लगता है। शूटिंग को देर हो रही है, नताशा कहाँ है? स्वीटी जी, नताशा अपने कमरे में है। आंटी, सॉरी आंटी, आई एम लेट, बस 5 मिनट और, ओके? जल्दी आओ। ये है नताशा।
100% यही है नताशा।